हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको वंडरफुल वेज इस कहानी का मतलब हिंदी में समझाऊंगी। वंडरफुल मींस अद्भुत, और इसे बहुत बढ़िया भी कहते हैं। वेस्ट मतलब बेकार, जिन चीजों को हम फेंक देते हैं। वंडरफुल वेस्ट मतलब क्या बेकार चीजें भी वंडरफुल यानी बहुत बढ़िया हो सकती हैं? वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल। वेस्ट जो बेकार चीजें होती हैं वो भी हमारे लिए उपयोगी हो सकती हैं। फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी, चलिए खुद से ही इस कहानी से पता लगाते हैं। Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. एक बार त्रवणकोर के महाराजा ने अपने महल में एक बड़ी दावत का आदेश दिया। In the afternoon before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. दोपहर में रात के भोजन से पहले महाराजा ने रसोई घर में प्रवेश किया ताकि वो रात की दावत में बनने वाली चीजों की आंच कर सके। What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. तुम उन बेकार सब्जियों का क्या करने वाले हो? महाराजा ने बेकार बची हुई सब्जियों की टोकरी की तरफ इशारा करते हुए बावर्ची से पूछा। The cook replied, they are waste. बावर्ची ने जवाब दिया, वो सब तो बेकार हैं। We will throw them away. हम उन्हें फेंक देंगे। You cannot waste all these bits and pieces of vegetables. तुम सब्जियों के इन कणों और टुकड़ों को ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकते। Find a way to use them. महाराजा commanded sternly and walked away. इनको इस्तेमाल करने का कोई तरीका सोचो। महाराजा ने कठोरता से बावर्ची को आदेश दिया और वहां से चला गया। The cook was in a fix and kept staring at the vegetable scraps for some time. अब बावर्ची उलझन में था। वो बची हुई सब्जियों के स्क्रैप को थोड़ी देर तक घूरता रहा। Suddenly, an idea flashed across his mind. अचानक से बावर्ची के दिमाग में एक तरकीब आई। He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. बावर्ची ने सारे सब्जियों के कणों को और टुकड़ों को लिया, उनको धोया, उनको अच्छे से साफ किया। Then he cut them into long strips. अब बावर्ची ने उन सब्जियों के टुकड़ों को लंबे लंबे पीसेस में टुकड़ों में काटा। He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. बावर्ची ने उन टुकड़ों को एक बड़े से मटके में डाला और उसको आग के ऊपर पकने के लिए रख दिया। Next, he ground some fresh coconut, green chilies and garlic together. अब उसने ताजा नारियल, हरी मिर्चों और लहसुन को मिलाकर एक पेस्ट बना लिया। He added this paste and some salt to the cooking vegetables. अब उसने इस पेस्ट को, इस मिश्रण को बनती हुई वेजिटेबल सब्जियों में मिला दिया और उसमें कुछ नमक भी मिला दिया। A tempting smell started coming from the pot. अब उस मटके में से बहुत ही ललचाने वाली खुशबू आने लगी। Now he whipped some curd and added it to the curry. अब उसने कुछ दही ली और उस कड़ी में मिला दी। He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with the curry leaves. उसने उसमें कुछ चम्मच नारियल के तेल के डाले और उस खाने की चीज को कड़ी के पत्तों से सजा दिया। Lo and behold, new dish was ready. Look, what a surprise! क्या हुआ? जो नई खाने की डिश थी वो बनकर तैयार हो गई। The cook served this new dish to the guests that evening. बावर्ची ने उस शाम वो नई खाने की चीज सभी मेहमानों को परोसी। Everyone was eager to know the name of the new dish. हर कोई उस नई खाने की चीज का नाम जानने को उत्सुक था। The cook thought and thought. बावर्ची ने सोचा और सोचा। Then a name came to his mind. तब उसके दिमाग में एक नाम आया। He named it अव्यल। उसने उस खाने की चीज को नाम दिया अव्यल।
avial became famous all over Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast. अवियल पूरे केरला राज्य में बहुत ही मशहूर हो गई और अब वो केरला में होने वाली दावतों पर एक परंपरागत खाने की तरह बनाई जाती है. इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट. और सोचकर देखिए ये सब किससे हो पाया, एक बास्केट, एक टोकरी बेकार चीजों से जो कि हम अपने घरों में फेंक देते हैं. थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. मेरे चैनल का नाम है लर्निंग टूल्स. थैंक यू.